एक बार फिर हम यहाँ मौजूद हैं क्योंकि कल जड़ावाला के असद टाउन के अंदर क्रिश्चियन फैमिली पर हमला हुआ और वो बच्चे आज आप देख रहे हैं जख्मी है। उन बच्चों के लिए भी हम आज इत्तेजाज कर रहे हैं और आपको बता दूं कि जड़ावाले को सर्द खाने में डालने के लिए पुलिस मुख्तलिफ तरीकों के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है क्योंकि जड़ावाले से फैसलाबाद की पुलिस, जड़ावाले की पुलिस बल्कि पंजाब पुलिस की जड़ें हिल गई हैं। बजाय के वो मुल्जमों को पकड़ती, जालिमों को पकड़ती, आप देखें उन्होंने क्रिश्चियनों को पकड़ना शुरू कर दिया वहां पे। और यहाँ यही नहीं बल्कि बहन बेटियों को भी लेकर के और हर एक को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया और उन्हें जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद यही नहीं किया बल्कि होना तो ये चाहिए था कि उन जत्थों को पकड़ दे जिन्होंने चर्चिस के ऊपर हमला किया, जिन्होंने घर जलाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि क्या किया कि उन लोगों को, चंद लोगों को पकड़ के जब शोर उठाने चंद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया कि ये हमने पकड़ लिया। लेकिन हम पूछते हैं जो क्रेन लेकर आए थे चर्चों को तोड़ने के लिए वो क्रेनें कहाँ हैं? वो क्रेनों को क्यों नहीं पकड़ा गया? क्रेन लाने वालों को क्यों नहीं पकड़ा गया? क्रेन के ड्राइवर्स को क्यों नहीं पकड़ा गया? अभी तक किसी ने नहीं बताया कि क्रेन पकड़ ली गई है। वो जिस क्रेन से चर्चों को तोड़ा गया वो क्रेनें क्यों नहीं पकड़ी गई? और उसके बाद पुलिस इतनी बुखलाहट का शिकार थी कि जड़ावाले के मसीहों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब फैसलाबाद के पादरी विकी ने पुलिस से रजू किया कि मेरे चर्च पर कुछ इस्लामी अल्फाज लिख दिए गए हैं तो पुलिस आई और उसको अपनी निगरानी में मिटा दिया। लेकिन उनको लिखने वाले ने धमकियां देना शुरू कर दी कि आपने जो लिखा है और आपने मिटाया है हम इसको आपको मिटा देंगे। और उन्हें पुलिस को इतला दी कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। फैसलाबाद की पुलिस ने उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी। जब 4 तारीख को उन पर हमला होता है तो पुलिस बजाय कातिलों के पीछे, जालिमों के पीछे जाने के, हमलावारों के पीछे जाने के, वो पादरी साहब पे दबाव डाल रही है कि आप इसको कहें कि ये जाती दुश्मनी है। ये जाती, जब पादरी साहब ने कहा जाती दुश्मनी मेरी है ही नहीं, मैं तो खुदा का बंदा हूँ, मेरी तो दुश्मनी किसी के साथ नहीं, तो पुलिस ने उनके चर्च के बड़े डॉक्टर इल्ताफ को इस्तेमाल किया, उनको डराया, उन्होंने दबाव डाला कि भाई आप ये अपने पे ले लें वरना ये चर्च को ये नुकसान देंगे, मुल्क को नुकसान होगा। तो उस बेचारे को दबाव में लाकर, उसको डरा धमका कर उससे बयान लिखवा लिया। और उसका टर्मिनेटर लेटर अगर आपको पता पड़ने वाला है तो देखा टर्मिनल लेटर ऐसे है जैसे पुलिस का चलान है, उसमें वो अल्फाज ही नहीं जो पादरियों के और चर्चित के अल्फाज होते हैं। तो इससे पुलिस की मुनाफ़त का पता चलता है कि पुलिस जो है वो किन के साथ है। और फिर पुलिस ने पादरी विकी के साथ 5 बंदों को भी पकड़ लिया जिनमें 13 साल का बच्चा भी है और उनको टॉर्चर कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं कि आप कहें कि पादरी ने गोली खुद चलाई, उनको टॉर्चर सेलों में रखा है। और अफसोस कि जज के पास जब गए तो जज ने भी नहीं देखा कि वो बंदे को पुलिस की कस्टडी में माजूर बना दिया गया है, उसको इतना टॉर्चर किया गया कि उसमें फालिज का अटैक हो गया और अब भी उसको रिमांड पे रिमांड दे रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? दुनिया पादरी विकी के आंसू देख रही है। शर्म करो, शर्म करो, भरो, भरो, शर्म करो, शर्म करो, भरो, भरो। लेकिन फैसलाबाद की पुलिस को और ना उस अदालत के जज को पादरी विकी की माजूरी नजर आ रही है, ना उनके आंसू नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सब गठजोड़ है। अदालतों में ना इंसाफी, अदालतों में ना इंसाफी, अदालतों में ना इंसाफी। अब आप देखें उनको रिमांड पे रिमांड दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये सरासर जुल्म है। और फिर जब उसको हकायक लाने के लिए कराची से एक सोशल एक्टिविस्ट मजहबी रहनुमा जब उधर पहुंच दिया, पादरी इसके बयान लेती है तो फैसलाबाद पुलिस का चेहरा बेनकाब हो जाता है और वो इतने बुखलाट का शिकार हो जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये औरत जात है और उसको पकड़ के तूफान बदतमीजी से मगला जात बकते हुए उसको और उनके वकील को थाने में बंद कर दिया जाता है। ये क्या पंजाब का कल्चर है कि बहन बेटियों की ये इज्जत की जाती है? क्या पाकिस्तान का कानून ये सिखाता है कि आप अपनी बहन बेटियों को गालियां दो, उनको इस तरह घसीटो? शर्म करो, धूम करो, धूम करो।
अध्यक्ष साहब और आर्मी चीफ से अपील करता हूँ कि आप दोनों आगे बढ़े, क्योंकि आपके ऊपर एतमाद है हमें। आप आगे बढ़े और फैसलाबाद की पुलिस को, और हम एक बार फिर कहते हैं कि जब पादरी ने बाइबल पे हाथ रखे, हलफ ले लिया कि मैंने ये काम नहीं किया।